से जो आप लोग बैठे हैं, जो विशाल हाथ में आप लोगों ने लेने का काम किया है, इसके लिए हम आप लोगों को धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। ये मामूली लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई बड़ी लंबी होने वाली है। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अंग्रेजों के कुछ चमचे जो है आश्चर्य लगता है। जो लोग गांधी जी को गोली मारा और मारा टक्कू राम को, ये लोग उन्हीं के वंशज है जो आज भोगे से सत्ता में बैठे हैं। ये हत्यारे महात्मा गांधी के, जिन्होंने जिंदगी भर गुलामी किया अंग्रेजों की, जिंदगी भर चमचे किया अंग्रेजों का, आज हमारे संविधान को खत्म करके हिंदू मुसलमान भाई में झगड़ा लगाना चाहते हैं। वो चाहते हैं हिंदुस्तान छोड़ दे हम, वो चाहते हैं हिंदुस्तान छोड़ दे हम, बताओ भूत के घर से मकान छोड़ दे हम। आप लोग इतना जानिए कि अगर हम लोग एकजुट रहेंगे तो वो आरएसएस बीजेपी जो है अपने मकसद में कामयाब नहीं होगी। उनका मकसद है समाज को तोड़ो, जहर दो, झगड़ा लगाओ। जो अंग्रेजों की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, उसी की नीति अपनाने का काम करें कि आपस में भाई भाई को झगड़ा लगाओ और राज करो। ये लोग किसी के नहीं है, ये आरएसएस वाले हम लोगों को पाठ पढ़ा रहे थे, हम लोग देख पाते हैं नहीं। नागपुर में तिरंगा फहराते नहीं, हमसे पूछते हैं कि हम देख पाते कि नहीं। लेकिन बाप दादाओं का कोई कुर्बानी नहीं रहा देश की आजादी में, आज हम लोगों से पूछ रहे कि हम लोग देश के नागरिक हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे, पढ़ते आ रहे कि नहीं आ रहे, तो हम नारा लगाएंगे साथ दीजिएगा, हम बोलेंगे आवाज दो। हम लोग तो होशियार सब पकड़े हुए हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, और इस देश की आजादी में चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी लोगों ने खून देने का काम किया है। सभी लोगों के बाप दादा जो यहाँ उपस्थित है बैठे हैं, जो देश के संविधान को बचाना चाहते हैं, जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, जो धर्मनिष्ठता में विश्वास रखते हैं, हम लोगों के बाप दादाओं ने कुर्बानियां देने का काम किया। आज हम लोगों से पूछा जा रहा है कि कागज का टुकड़ा दीजिए, सबूत दीजिए कि आप इस देश में रहने वाले हो कि नहीं हो, इस देश के नागरिक हो कि नहीं हो। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, हम लोग कहां के, हम लोग इसी देश के हैं, तो हम लोग क्यों कागज दिखाएंगे भैया? हम तो कहते हैं हम लोग कागज, कागज, कागज। बताओ वोटर आईडी बनवा दी, वोटर आईडी को बोलता नहीं, ये वोटर आईडी से आपका नागरिकता साबित नहीं होगा, पासपोर्ट से भी नहीं होगा, आधार कार्ड से भी नहीं होगा। आप पूछना चाहते हैं मोदी जी, अगर वोटर आईडी से हम नागरिक नहीं है देश के, तो आप देश के प्रधानमंत्री कैसे बन गए? ये तो बताना चाहिए। और अगर आधार कार्ड को तो बैंकों से खातों से लिंक क्यों कराया गया? पासपोर्ट अगर नहीं है विदेश जाइए तो लोग पहले, सबसे पहले यही प्रमाण मांगते हैं विदेशी कि पासपोर्ट दिखाओ तुम नागरिक हो कि नहीं, उस पर भारत गणराज्य लिखा है यानी आप भारत नागरिक है, तब भी पासपोर्ट का वैल्यू है। अभी बड़ा चरानी करा देखो,
ये केवल मुसलमान भाइयों के खिलाफ नहीं है कानून, ये कानून जो है 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के खिलाफ है। इसे सिर्फ आपको नहीं साबित करना, इस पे तेजस्वी यादव को भी साबित करना है कि ये इस देश का नागरिक है कि नहीं है। बात समझ रहे हैं? ये आरएसएस वाला भाई देखिए, मुसलमान भाई संदूक चौकर ले, सब लोग सजग हो, होशियार हो, जान रहे हो कि आरएसएस बीजेपी क्या चाहता है। अब ज्यादा जरूरत है वहां काम करना जो हिंदुओं में जो दलित है, जो पिछड़े हैं, जिनका भाजपा उपयोग कर रही है, उनको जाके समझाने की जरूरत है। आपको नहीं पता कि भाजपा उन लोगों को क्या कह रही है, उन लोगों को कहता है देखो दलितों को कह रही है, पिछड़ों को कह रही है, ये देखो ये मुसलमान भागेंगे तो तुम्हारा घर हो जाएगा, तुम्हारा जमीन हो जाएगा, यही सिखा रहा है। आप समझिए, पहली बात तो ये सबका देश है, अब किनको समझाना है जो दलित है, उनको बताओ इधर एनपीएन एनआरसी लगा दिया, उलझा दिया, उधर से आरक्षण जो पिछड़े दलित का खत्म करने चला गया भाजपा वाला सुप्रीम कोर्ट। बहुत बड़ा मसला है, मौलिक अधिकार नहीं है आरक्षण, ये तो दलितों को भी नहीं चाहते इस देश में, प्रताड़ना के नाम पे लोगों को लाने का बात कर रहे। अच्छा हाँ, दलितों के साथ इसी देश में प्रताड़ना हो रहा है, मोदी जी के लोग कर रहे हैं, भाजपा के लोग कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, उसका क्या? ये जवाब हम लोगों को देना पड़ेगा। अब हम वाली पार्टी की ये कोशिश है, देखिए हमारी पार्टी पहली ऐसी पार्टी है देश में कि राज्यसभा में जब ये बिल रखा जा रहा था तो हम अपने सारे विधायकों को लेकर के पटना के गांधी मैदान में जेपी गोलंबर के बाहर बैठने का काम किया। हमारी पार्टी ने बिहार बंद कराने का काम किया, राज्यसभा में हम लोगों ने इस काले खिलाफ, काले कानून के खिलाफ हम लोगों ने खिलाफ में वोट देने का काम किया। आप देखिएगा लेकिन किन लोगों ने पक्ष में वोट देने का काम किया था, बिहार के मुख्यमंत्री ने क्या किया, धोखा देने का काम किया, आप लोगों को धोखा देने का काम किया पार्टी मान मुख्यमंत्री जी। आपके चाचा के लोग छोड़ दिए, जब से उन्होंने वोट दिया बीजेपी के साथ काला कानून बनवाया तब से हमने ऐलान कर दिया कि मेरे चाचा नहीं है। ऐसे लोग जिन्होंने आप लोगों को वोट लेकर के आज मुख्यमंत्री के पद पे बने, चोर दरवाजे से हम लोगों को धोखा दिया, चोर दरवाजे से बीजेपी को सरकार में ले आए, लेकिन हम लोगों को ऐसे लोगों से मीठा उधार रखना होगा, बोलेंगे मीठा मीठा कथनी अकड़ी में लेकिन भारी अंतर होगा, पीठ पर चूड़ा फोकने का काम किया है। हम बोलते अच्छा ठीक है, बोलते हैं एनआरसी को मुख्यमंत्री कहते हैं एनआरसी को लागू नहीं होने देंगे, हम बोलते हैं मुख्यमंत्री जी एनआरसी का पहला स्टेप ही एनपीआर है और आपने लागू करा दिया है, आप बिहार की जनता को यूं मत बनाइए। ये लोग सोचते हैं कि सब हम लोग उल्लू है, मतलब अजीब है ना, एनआरसी का पहला कदम क्या है, एनपीआर में क्या है, आएगा तुम्हारे घर पूछेगा क्या है, कहाँ हो, कहाँ पैदा हुए, तुम्हारे बाप दादा कहाँ पैदा हुए, यही है। पहले एनपीआर में कुछ और पूछा जाता था, पहले जो पूछा जाता था उसके अलावा भी कई एक चीजें जोड़ी गई है, तो ये जो पहला कदम है एनपीआर जब लागू हो गया तब तो एनआरसी हो ही ना, तो मुख्यमंत्री बिहार के किसको उल्लू बनाने का काम कर रहे हैं। देखिए इसलिए आप लोगों के बीच आए हैं, हम बस इतना कहते हैं कि आप लोग घबराने का काम मत कीजिए, हमारी नेता ने आज तक सांप्रदायिक शक्तियों के सामने घुटने नहीं टेके, चाहे हमको जेल भेजा जाए चाहे हम लोगों पर केस मुकदमा हो। आदरणीय लालू जी, आपके नेता आज शारीरिक रूप से आप लोगों के बीच नहीं है, बीमार है, अस्पताल में है, बीजेपी ने फंसा करके जेल भेजा, नीतीश कुमार जी ने फंसा के जेल भेजा, लेकिन
लालू जी टंडे का नाम ले रहे अभी भी वहां बैठ करके लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? बीजेपी के लोग कान खो के सुन ले कि लालू जी आपके गीदड़ पप्पी से डरने वाले नहीं, आपके नेता शेर हैं। शेर को घेरने के लिए सब इकट्ठा हो गए छत पे, लेकिन बिहार की जनता के दिलों में लालू जी बसते हैं। उन्होंने अडवाणी जी के रथ को रोका, हम लोगों ने फिर महागठबंधन किया, सोचे कि नीतीश जी सुधर गए होंगे, लेकिन हम लोगों से गलती हो गई पहचान में, धोखा खा गए। आप तो आप ही लोग मालिक हैं, आप लोगों को फैसला करना, आप लोग मालिक आपके सामने है सारी चीजें। तो आप देखिए, आज भले ही लालू जी बीमार हैं, लेकिन भाजपा वालों आरएसएस वालों एक काम खुल के सुन लो, बीमार अभी जिंदा है। हम लड़ेंगे ही नहीं बल्कि जीतेंगे, और इस कानून को वापस करा करके ही तुम देंगे। लेकिन इसके साथ साथ देखिए, मान लीजिए हम लोग लड़े संघर्ष करें, बिहार में भाजपा है नीतीश कुमार जी के बदौलत सरकार में, लेकिन इन लोगों को सरकार को वापस करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तो हटाइएगा, साथ देना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा। पहले लालू जी के राज में एक दंगा फसाद नहीं होता था, अब तो मॉब लिंचिंग होता है, बजरंग दल घुस गया, आरएसएस वाला परेड कर रहा है, पहले प्रवीण को गड़िया को एयरपोर्ट से वापस गोवा, लेकिन अब तो है आरएसएस का नीतीश कुमार जी बनवा दिए, तो देखिए आपको ज्यादा कुछ नहीं कहना, लेकिन जब चुनाव आए तो चुनाव में भी तरह तरह के लोग खड़े हो जाते हैं, हम इन लोग के बीच खड़ा हो जाएगा बीजेपी का मदद करने के लिए, वोट काटने के लिए, तो वोट कटवा लोग से भी बच के रहिएगा, क्योंकि झारखंड में आपने देखा क्या समझदारी का, हम लोग बीजेपी को हराए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने हराया,